गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो पिछली बार हमने नाना के घर मज़े मज़े है ना, उसका हमने क्रिया ये पाठ सीखा, हमने ग्रामर का क्रिया ये पाठ हमने सीखा। देखो उसकी परिभाषा भी हमने सीखी, जिन शब्दों से किसी काम होने या करने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया शब्द कौन से है? खाना, बैठना, उठना, हंसना, बोलना, दौड़ना, है ना, सोना, है ना, ये क्या है? क्रिया है। हाँ, उसके बाद हमने ये शब्दों के, ये सेंटेंस के नीचे जो क्रिया शब्द है उसके नीचे हमने रेखांकित किया है ना, ये हमने पिछले पीरियड में हमने देखा। अभी हमें क्या करनी है? क्रिया की वर्कशीट कंप्लीट करनी है। क्या करनी है? क्रिया की वर्कशीट कंप्लीट करनी है। देखो परिभाषा आपको दी है, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे खाना, पीना, रोना, लिखना, पढ़ना, उठना, नाचना, सोना, चलना, दौड़ना आदि। अभी देखो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो गिर रहे हैं ये क्या है? क्रिया है, है ना, क्रिया शब्द अलग करके। अभी देखो प्रश्न पहला, क्रिया शब्द अलग करके लिखिए। पहला क्या है? पहला क्या है? मोहित पतंग उड़ा रहा है। मोहित पतंग उड़ा रहा है ना, तो उड़ा रहा है ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। उड़ा रहा है ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। मोहित पतंग उड़ा रहा है, तो आपको यहाँ सामने लिखना है मोहित, क्रिया क्या है उसकी? उड़ा रहा है। उसके बाद दूसरा, राधा गाना गा रही है। दूसरा, राधा गाना गा रही है। राधा गाना गा रही है, तो गा रही है ये क्या है? क्रिया है। गा रही है ये क्या है? क्रिया है। तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे? गा रही है, राधा गाना गा रही है। उसके बाद खेतों में फसल उग रही है। खेतों में फसल उग रही है। उग रही है, उग रही है ये क्या है? क्रिया है। तो सामने लिखेंगे खेतों में फसल उग रही है। उसके बाद बच्चा पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है। बच्चा पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है, तो तोड़ रहा है ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। तोड़ रहा है, बच्चा पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है। देखो मीरा रो रही है। मीरा, पांचवा, मीरा रो रही है। मीरा ये क्या नाम है? रोना ये क्या है? क्रिया है। तो रो रही है ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। रो रही है, मीरा रो रही है। कंप्लीट हुआ सबका? देखो मोहित पतंग उड़ा रहा है, तो उड़ा रहा है ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। राधा गाना गा रही है, गा रही ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। खेतों में फसल उग रही है, उग रही है ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। बच्चा पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है, तोड़ रहा है ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। मीरा रो रही है, रो रही है ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। उसके बाद नीचे का प्रश्न देखो, कोष्टक में से उचित क्रिया चुनकर नीचे लिखे वाक्य पूरे कीजिए, है ना। देखो नीचे लिखे हुए का वाक्य जो हेल्प बॉक्स दिया है
है ना, वो देखकर हमें क्या करना है, कंप्लीट करने हैं। ये हो गया ना, सबका कंप्लीट हो गया ना। ये तो आपको बहुत ही इजी होगा क्योंकि थर्ड स्टैंडर्ड में सब आपको ये हुआ है, क्रिया हुई है। देखो बगीचे में सुंदर फूल डैश रहे हैं, बगीचे में सुंदर फूल क्या आएगा उसमें, देख रहे हैं कि खिल रहे हैं, बगीचे में फूल खिल रहे हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स का है, क्या आएगी यहाँ, बगीचे में फूल खिल रहे हैं, बगीचे में फूल खिल रहे हैं। दूसरा, माँ सब्जी, माँ सब्जी बना रही है, माँ सब्जी बना रही है, माँ सब्जी बना रही है, माँ सब्जी बना रही है। उसके बाद बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। आज सभी दुकानें